मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल ले चल रहा पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक पॉट है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एक पॉट में आप चिली का प्लांट, मिर्च का प्लांट कैसे ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो बहुत सी है YouTube पर, मैं आपको आज कुछ अलग तरीका बताने वाला हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि आप जो प्लांट लगाएं एक पॉट में वो एक साथ कैसे ग्रो हों चिली के। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरी देखें, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको सीडलिंग ग्रो करने के लिए बालू मिट्टी चाहिए, और आप अगर इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं तो मिला लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप गोबर खाद मिला लें और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला लें पत्तियों की खाद। और फ्रेंड्स, और जब ऊपर उसे थोड़ी और खाद रखनी चाहिए आपको, नीचे थोड़ी सी रखिए पर ऊपर ज़्यादा रखिए, ऊपर की मिट्टी में ज़्यादा खाद मिली होनी चाहिए। बस सीड्स इतनी रखिए कि एक मुट्ठी रखिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा खाद डालेंगे तो सीड्स हैं वो नहीं जनरेट होंगे, जल जाएंगे, गर्म होती है और सर्दियाँ जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, एक साथ ग्रो करने के लिए सीड बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मिट्टी को पूरा सही से आप मैश कर लें, मतलब छोटे छोटे ईटे ईटे ना रह जाएं, या फिर मिट्टी के जैसे ये रह गए इनको फोड़ दें। और फोड़ने के बाद आप इसे दबा दें, दबा दें और बिल्कुल लेवल में। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप जो मिट्टी है उसे बराबर कर लें, और या तो किसी टूल से आप बराबर कर लें इसको, या किसी भी हाथ से कर लें। वैसे टूल से कर लेंगे तो ज़्यादा सही है, बिल्कुल एक साथ होनी चाहिए। और जो सीड्स हैं वो एक साथ स्प्रिंकल कर दें, या फिर एक ही जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे रख दें। तो ये सब एक ही साथ ग्रो होंगे। अगर आप ऐसे करके डालते हैं गुटाई करी हुई मिट्टी में, तो कभी इधर वाला निकल रहा है, कभी इधर निकल रहा है, ये समस्या बहुत हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा साथ में रखें एक ही, ये देखिए मैंने अब एक ही साथ रखे हैं, तो एक ही साथ ग्रो होंगे, और एक ही साथ इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, फिर एक ही साथ इनमें मिर्चें निकलेंगी। ये तो रहा आपका पहला अपडेट, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं प्लांट्स निकले आए हैं। अब इसमें मिर्च आने की तैयारी हो रही है, ये देखिए आप इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर से थोड़ी कट करते रहे, तो इससे बहुत ही प्लांट छोटा रहता है और फ्लावरिंग और फ्रूट जो होता है वो आने लगता है। अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिर इतना बड़ा हो जाएगा, और इसकी आप ब्रांचेस कट कर दे रहे हैं तब भी इसमें देखिए मिर्चें तो आ रही हैं, पर साइज इसका छोटा है। देखिए इधर ये भी आ गई है, बहुत सी मिर्चें आएंगी। और अगर इसमें ये देखिए, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक अगर कुछ भी कीड़े आने लगे तो उसकी उतनी ब्रांच आप हटा दें। आप देखिए कीड़े होते हैं, तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, इतनी सारी मिर्च निकलने वाली है इस छोटे से प्लांट में। आप एक साथ ग्रो कर सकते हैं कि तीन चार प्लांट में आप मिर्चें ना ग्रो करें, कोई फायदा नहीं होता। मिर्चें इतनी निकलनी है वो एक साथ निकल सकती हैं, अगर आप तीन चार पॉट में लगाएंगे तो जगह ही घेरेगा, और इतनी मिर्चें कोई खाता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, और ये अगर आप किसी प्लांट के पास में रखेंगे तो उसमें ये देख के रखेंगे वो जैसे टमाटो का ना हो, क्योंकि इसमें जो ब्लैक वाले कीड़े होते हैं वो कहीं
टोमेटो में चले जाएँ, या फिर इसे गुलदाउदी प्लांट होता है उसे किसी प्लांट के टोमेटो या फिर किसी और प्लांट के पास ना रखें, क्योंकि उससे भी जो ब्लैक वाले कीड़े होते हैं वो बहुत जल्दी उसमें चले जाते हैं। इसलिए ये मिर्च का हुआ, गुलदाउदी का हुआ, सेम की बेल हुई, इनको थोड़ा दूरी रखें इन पौधों से, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी ब्लैक वाले ये होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।